एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर, स्वामी जी यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग बात करते हैं राहत इंदौरी साहब की शायरी की। एक वीडियो में पहले आपके सामने भेज चुका हूँ कुछ शायरी, चुनिंदा शायरी। और एक बात मैं जरूर कहूंगा कि कोई भी शायर हो, काफी शायर हैं, अगर राहत इंदौरी साहब की बात करें तो उनकी परफॉर्मिंग जो थी, परफॉर्मिंग आर्ट, उनकी परफॉर्मेंस करने की जो कला थी, प्रस्तुतिकरण उनका बहुत ही जबरदस्त था। वो चीज हम लोग जरूर बनाएं। शब्दावली, वाक्पटुता, एक बोलने का तरीका और शब्दों की स्पष्टता आपकी जबरदस्त होनी चाहिए। प्रैक्टिस से ऐसा हो पाएगा कि हौसले जिंदगी के देखते हैं, हौसले जिंदगी के देखते हैं, चलिए कुछ रोज जी के देखते हैं। इस तरह की शायरी आप एक अंदाज में और बातें करते करते मंच के ऊपर आप बोलिए। और किसी भी अच्छे शायर की शायरी बोलें तो ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि एक अच्छे शायर ने एक बात कही है, अगर उनका नाम याद हो तो बहुत ही अच्छी बात है, उनको प्रणाम करते हुए। राहत इंदौरी साहब ऐसे कवि तो वैसे भी, इनको हम लोग हमेशा प्रणाम करते रहे ऐसे शायरों को, कि उंगलियां यूं सब पर न उठाया करो, उंगलियां यूं सब पर न उठाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो। एक प्रेरणादायक शायरी ये तुकबंदी। अभी गनीमत है सबर मेरा, अभी गनीमत है सबर मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ। अभी गनीमत है सबर मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ, वो मुझको मुर्दा समझ रहे हैं, उन्हें कहो मैं मरा नहीं हूँ। और ये शायरी जब आज वो दुनिया से चले गए तो इसके बाद ये शायरी कितनी ज़्यादा वायरल हो रही है फेसबुक पे। यही होता है, यही आगाज है मेरा, यही अंदाज है मेरा, मैं शायर हूँ, दिलों को जोड़ने का काम है मेरा। यही आगाज है मेरा, यही अंदाज है मेरा, मैं शायर हूँ, दिलों को जोड़ने का काम है मेरा। वतन पर आंच जब आए, सरों को पेश कर देना, हर हिंदुस्तानी को यही पैगाम है मेरा। तो इस तरह से शायर इस तरह की शायरी लिखते हैं। एक राहत इंदौरी साहब की ये शायरी बहुत ही अच्छी, कि अपनी जान की दुश्मन को भी हम अपनी जान कहते हैं, अपनी जान के दुश्मन को भी हम अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। और इसके बाद कहते कि सिर्फ खंजर ही नहीं, बड़ी एक ऐसी दमदार शायरी की, एक भाव जो होता था, एक स्वाभिमानी जो कवि होता है इस तरह से बोलता है वो, तो ऐसी बात कहते थे कि सुनने वाले सोचने पर मजबूर हो जाते थे कि सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए, ऐ खुदा दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। और एक ही शायरी मैं अंत में कहूंगा कि दर्द आंखों से निकला तो सबने कहा कायर है ये, दर्द आंखों से निकला तो सबने कहा कायर है ये, दर्द अल्फाज में क्या डाला सबने कहा शायर है ये। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों स्वामी जी यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, और निरंतर वीडियो देखने के लिए, पब्लिक स्पीकिंग टिप्स सीखने के लिए धन्यवाद।